सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर की हुजरी हमारे बीच में है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक के साथ वो बात करे। आप शायद कभी कभी किसी के साथ खफा हो सकते हैं, आप शायद कभी कभी चाहते कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे नहीं बुलाऊंगा, लेकिन परमेश्वर आपसे खफा नहीं है, प्रभु आपसे नाराज नहीं है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रभु आपसे, ये प्रभु कौन है, ये प्रभु कौन है, ये मनुष्य के हाथ से बनाया गया परमेश्वर नहीं है। ही इज नॉट मैन मेड गॉड। लोका ने इस रब नु नहीं बनाया, लेकिन ये ओ परमेश्वर जो लोका नु बनाया है। हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, दुनिया में हर कोई रब को गैस करता है। क्या करता है? दुनिया गैस करते हैं। कभी कभी लोग आपको पूछेंगे, पाजी आप द उम्र कितना है, आप बोलेंगे गैस करो। आजकल कोई अपना उम्र नहीं बताएगा, गैस करो। मैंने भी वही किया, अभी इंग्लैंड गया था, लोग मुझे पूछे आपका उम्र कितना है, मैंने बोला गैस करो। किसी ने बोला आप तो 32 साल का लगते हो, किसी ने बोला आप तो 25 साल का लगते हो, मैंने बोला ज्यादा मक्खन मत लगाओ। आज दुनिया भी रब कौन है उसका गैस कर रहा है। कोई ताकत दिख गया बोलता यही रब है, कि तो जाके कुछ मिल गया बोलता यही रब है। रब नु असी नहीं बना सकते, रब नु असी की बना सकते हैं, असी बात बना सकते हैं, असी की बना सकते हैं, मुंह बना सकते हैं, असी जो भी बना पाएंगे ना वो डुप्लीकेट है। साढ़े लोग कुछ बना सकते हैं बोलते अच्छा मक्के दी रोटी बना सकते हैं, सरसों दी साग बना सकते हैं, कड़ी बना सकते हैं। मैंने सुना पिछले हफ्ते कड़ी बनाए थे आप लोग, मुझे खबर सब मिल जाते हैं। बस ये वो चीज बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बना सकते जो ओरिजिनल है। आप बोलेंगे मैं एक्सपर्ट हूं, किस बात का एक्सपर्ट हूं, गाड़ी बनाने के लिए, गाड़ी खराब हो गया है उसको मरम्मत करने के लिए नई गाड़ी बना के दिखाओ। साइंटिस्ट लोगों ने बोला प्रभु हूं सानू बहुत ही ज्ञान मिल गया है, असी भी मनुख बना सकते हैं, असी भी इंसान को बना सकते हैं। प्रभु ने कहा ठीक है, मेरी मिट्टी नहीं लेना, मेरी मिट्टी नहीं लेना, क्योंकि मैंने मिट्टी से बनाया, तू भी पहले अपना मिट्टी बना फिर जाके दिखा। ये परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। अगर कोई आपको बोलेगा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कई लोग जब बोलते हैं मैं आपसे बात करना है, अगर हमारे टीचर बोलता है मुझे तेरे से बात करना है, हमारे अंदर डर होता है। अगर जिसको आप बड़े दिन हो गए बात नहीं किए हैं, वो आकर कहेगा अभी मैं फ्री नहीं हूं, बाद में बात करूंगा, आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। जो आपसे प्यार करता है, आपके दिल के अंदर क्या है वो जानता है, वो आज आपसे बात करना चाहता है। तो जब वो बात करना चाहता है, हमें कैसे सुनना है? बड़े ही ध्यान के साथ सुनना है, क्योंकि ये वचन जब हम सुनते हैं, क्योंकि जो लोग सुनते नहीं हैं वो भटक जाते हैं। कई लोग बोलते हैं अगर वो बात सुना होता तो सुधर गया होता। प्रभु का वचन जो सुनते हैं, वचन में लिखा गया है वचन सुनने से नेचा पैदा होता है, विश्वास वचन सुनने से होता है, कहानी सुनने से नहीं। वचन सुनने से सबर पैदा होता है, वचन सुनने से जो हमारे जीवन में नहीं है वो पैदा हो जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यहां पे कुछ नए लोग आए हैं, आप सबको हम स्वागत करते हैं। जितने लोग नए आज पहली बार आए हैं चर्च में खड़े हो जाइए, जो पहली बार आए हैं
आप भी खड़े, उस दिन तो आप सेमिनार के लिए आए थे, बंदी के बीच नहीं आए थे। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे, और आज परमेश्वर की हुजरी में जो बरकत आपके लिए है, आप सारे जेब में, बोतल में, डब्बा में भर कर लेकर जाए। ये आपकी कलीसिया है और यहां पे आप जरूर आज ब्लेसिंग पाकर जाएंगे। इनके लिए हम ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आप सब बैठ जाइए। यहां पर यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? सबसे पहले तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो। आज मेरा शीर्षक है कि लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल्ड। आज हम कई बात के लिए परेशान रहते हैं। यहां कोई ऐसा बंदा बैठा है जो परेशान नहीं है? परेशान नहीं होंगे लेकिन चिंतित होंगे। कुछ आप करना चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ आप पाना चाहते हैं पा नहीं पा रहे हैं, और आप अंदर ही अंदर दुखी है। बाहर स्माइल है, बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर दो तरह की दुख है। एक जिस दुख में हमारे पास कॉन्फिडेंस है, और वो दूसरा है दुख जिसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। दो तरह की दुख है। एक दुख जो कि विश्वासी के जीवन में विश्वासी को बड़ी बरकत देने के लिए होता है, और दूसरा दुख है जिसको कुछ पता नहीं होता है और उसको कुछ दिखाई नहीं देता है और वो अपने जीवन को घटाने की कोशिश करता है, वो दुख है। और इस यहां पर उस बात के बारे में यीशु कहता है, और यीशु अपने चेले लोगों को कहता है तुम्हारा दिल ना घबरा है, ना घबराना। आज आप जितना कहो उतना ही ज्यादा लोग घबराते हैं। हमने कुछ काम करने के लिए दिया, नहीं हो रहा है, हम घबरा जाते हैं। हम कुछ करने के लिए निकले, वो नहीं हो रहा है, हम घबरा जाते हैं। हम प्रार्थना किया, वो कई दिन हो गया नहीं मिल रहा है, हम घबराए जाते हैं। परेशानी प्रभु की ओर से नहीं है, परेशानी शैतान की ओर से है। और जब लोग परेशान में हो जाते हैं, तब शैतान इंसान को अपनी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। यीशु मसीह यहां पर कहता है कि तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, व्याकुल ना हो। और वो कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो। क्यों हमारा दिल व्याकुल नहीं होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर जो है यहां पर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। यूहन्ना 14 उसके 27 आयत में लिखा गया है, पढ़िए कोई। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 27 आयत में लिखता है, मैं तुहानु शांति दे जानदा हां। मतलब क्या है? दे दूंगा नहीं, दे दिया नहीं, देता जा रहा हूं। कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली, परसिस्टेंटली, लगातार मैं आपको क्या कर रहा हूं? शांति दे रहा हूं। हालेलुया। कभी कभी प्रभु शांति नहीं देता है, सिर्फ एतवार को ही प्रभु शांति नहीं देता है। मैं हम जब आ रहे थे, आते वक्त हम हांगकांग में, दुबई में थोड़ी देर रुके, और वहां पर एक अंकल जी मुझे बोल रहे थे, आप जो मुझे बोल रहे वो सही बात है, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना सिर्फ सुबह 3 बजे ही सुनता है। वो मुझे कहने लगा सिर्फ 3 बजे ही सुबह वो प्रार्थना सुनता है, और वो समय ही अच्छा समय है। तो मैंने बोला, अंकल जी आप एक बाप हो, आपका बेटा सामने बैठा है, क्या आप चाहोगे कि आपका बेटा सिर्फ दिन में एक ही बार आकर आपसे बात करे? ने बोला, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बोला, वैसे ही परमेश्वर चाहते कि हम कभी भी किसी भी वक्त उससे बात करें, और परमेश्वर कभी भी किसी भी वक्त हमें क्या करेगा? शांति देता जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, कभी कभी परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई नहीं देता है। ये नहीं कि प्रभु बात नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु की आवाज हमें सुनने में थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हमें नहीं घबरा। चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, चाहे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, चाहे आप कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है।
दुनिया में और कोई भी चले जाओ बोलेंगे शांति पाने के लिए ओ करो, शांति पाने के लिए पाठ करो, शांति पाने के लिए नहाओ, शांति पाने के लिए चढ़ाओ, शांति पाने के लिए कपड़े बदल दो, शांति पाने के लिए सर मुंडवा दो, शांति पाने के लिए वो बलिदान कर दो, शांति पाने के लिए वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांति हमें सिर्फ रिसीव करना है। एक बार क्या हुआ, एक माँ, वो बहुत ही गरीब माँ थी। गरीब माँ ने क्या किया कि वो बहुत कुछ दिन से मेहनत की, बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा क्रिकेट का बड़ा फैन है। हमारे इंडिया के गली गली में क्रिकेटर है, और जब क्रिकेट मैच होता है लोग सारे काम बंद करके टीवी के सामने बैठ जाते हैं। आजकल तो आईपीएल चल रहा था, मैंने कई खबर सुना, कुछ लोग पैसा वहां पे लगाए थे और नहीं जीता तो खुदकुशी भी कर लिया। तो ये माँ ने क्या किया, उसके पास एक शहर में क्रिकेट टूर्नामेंट मैच हो रहा था, तो उसने क्या किया, बड़ी मेहनत करके पैसा कमाई और अपने बेटे को दिया, बोला जा तू क्रिकेट मैच देख ले, टिकट खरीद को उसको बोला। लेकिन बेटा जब बेटे को जब टिकट मिला, वो क्या करने लगा, वो क्रिकेट मैच देखने नहीं गया, लेकिन वो बाहर जाके सोचा कि मैं मेहनत करूंगा और जो पैसा मेरी मम्मी ने टिकट खरीदने के लिए लगाई है मैं उसको वापस करूंगा। मुझे बताओ क्या ये बेटा एंजॉय कर पाएगा, क्या इस बेटे के जीवन में खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको एक ऑफर दिया गया कि मुफ्त में जा और एंजॉय कर, लेकिन वो क्या करने में फंसा हुआ है कि उसको प्रायश्चित कैसे करे, वापस कैसे करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, शांति हमारे कर्म से नहीं मिलती है। आप कुछ भी करें शांति नहीं मिलेगी। लोग बोलते हैं एक पेग लगा देंगे तो शांति मिल जाएगा, एक मूवी देख लेंगे तो शांति मिल जाएगा, एक जगह घूम आएंगे तो शांति मिल जाएगी। पता है दुनिया की शांति थोड़ी देर के लिए है। लोग सोच रहे हैं थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो शांति ही शांति, नहीं, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा परेशानी। शांति दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलती है, शांति प्रभु यीशु मसीह ही हमें देता जा रहा है। पैसे से हमें शांति नहीं मिलेगी, अपनी मन मर्जी से शांति नहीं मिलेगी। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूं, ऐसे शांति दे रहा हूं जो शांति कभी खत्म नहीं होती। पता है ये शांति का सबसे बड़ी रुकावट है पाप। इस शांति की सबसे बड़ी रुकावट है, सारे बोलिए ये पाप क्या है। हम सब ने पाप के साथ जन्म लिया है, सब ने पाप किया है। आप बोलेंगे, मुझे बहुत लोग मिल गए बोलते हैं पास्टर जी मैंने किसी दा माड़ा नहीं किया, मैं किसी दा माड़ा नहीं सोचिया, मैं किसी दा माड़ा नहीं किया, फिर भी मेरे नाल पता नहीं है क्यों हो रहा है। तुसी माड़ा नहीं किया, लेकिन तुसी जो पैदा हुआ, हमारा जन्म, तुम्हारा जन्म पाप दे में। आप बोलेंगे कैसे, जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, कोई भी बाप है, कोई भी मां ऐसा है जो उसको बोलेगा बेटा ऐसे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना ऐसा कब बोलना है, ऐसे कोई सिखाता है? कोई मां बाप अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाता है? कोई मां बाप अपने बच्चे को चोरी करना सिखाते हैं? रास्ते में जाते जाते लड़का देखता है कि अच्छा दुकान है, दुकान में अच्छी चीज पड़ा हुआ, निकाल के ले आता है, अच्छी पाल अच्छी। अब माँ बाप बोलेंगे यहां पे नहीं बैठना है, ये नहीं करना है, आप थोड़ा सा दूसरे रूम में चले जाओ, वही करेगा जो आपने उसको मना किया है। क्यों? कोई माँ बाप ने उसको नहीं सिखाया? क्या कौन सा स्कूल दुनिया में है जहां पे सिखाते हैं कि ऐसे झूठ बोलना है करके? झूठ बोलने के तरीका नंबर एक, धोखा देने का तरीका नंबर दो, ऐसे सिखाते हैं? मैंने जिस स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी पढ़ा, वहां तो नहीं सिखाते हैं। ये कहां से आता है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आता है? ये शैतान की यूनिवर्सिटी है, जो कि एदन की बटीका में आदम और हवा ने पाप किया। हमारे सबसे पहला पुरुष, सबसे पहली स्त्री, उन्होंने जो पाप किया, उसी पाप के जरिए से हम जितने भी लोग दुनिया में पैदा होते हैं, हम सब पापी होकर पैदा होते हैं, और पाप की मजदूरी मौत है।
इसलिए जो भी मुसीबत कठिनाई होती है हमारे जीवन में, कई बातें हमारे पाप के वजह से होता है। पता है हम शांति की तलाश करते हैं, शांति क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम प्रभु से दूर हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम शांति पाएं। और आगे एक वचन में लिखा गया है, रोमियो की किताब उसका 15 अध्याय उसका 13 आयत में थोड़ा निकाल कर पढ़ दीजिए। प्रभु कहता है परमेश्वर, आशा का परमेश्वर तुम्हें सारी आनंद से और शांति से भरेगा। एक नहीं, दो नहीं, सारे शांति से भरेगा। हमें प्रभु के लोगों को क्या करना है? बेफिक्र रहना है। कुछ भी आ जाए उसके बारे में टेंस नहीं होना है, कुछ भी हो जाए उसके बारे में परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर ने जब मुझे सिखाया किसी बात के लिए परेशान नहीं होना है, जब मैं परेशान होता हूं तो जो चीज मेरे जीवन में होना है वो नहीं मिलता है। जब लेकिन परेशान नहीं होता हूं, परमेश्वर बड़े ही अच्छी तरीके से मेरे जीवन में काम करता है। अभी हम जब लंदन से आ रहे थे, लंदन से हम फ्लाइट में जब बैठे और जब दुबई में पहुंचे, दुबई में पहुंचते ही हमारा ले ओवर टाइम सिर्फ 1 घंटे का था और फ्लाइट का टाइम 9:10 में था और हमारी फ्लाइट पहुंची 8:40 पर। 50 मिनट पे या 30 मिनट पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम, मैं नहीं घबरा, मैं प्रार्थना करते आ रहा था, प्रभु फ्लाइट मिस ना हो जाए, प्रभु फ्लाइट मिस ना हो जाए। इतना लंबा सफर ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी 9 घंटे की और रास्ता है, फ्लाइट मिस ना हो जाए, फ्लाइट मिस ना हो जाए। लेकिन आपके पास्टर की प्रार्थना प्रभु ने सुनी। मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा था वो हवा में, प्रभु फ्लाइट मिस ना हो जाए, सब कुछ चंगे हो जाए, सही टाइम पे हम पहुंच जाए, सही टाइम पे हमारे दूसरे फ्लाइट मिल जाए। लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। पता है क्यों? जब हमारी फ्लाइट लेट हो गया, हम वहां पे उतरे और मुझे परेशान नहीं बोला, हम दूसरे फ्लाइट पकड़ लेंगे ऐसे ही सोच के जा रहा था। और एमिरेट्स का जो क्रू मेंबर से वो ग्राउंड वर्कर्स वहां पे हमें रोक दिया, बोला आप मनीला जा रहे हैं? मेरी वाइफ, हम दोनों ही मनीला के लिए थे, उन्होंने हमारे पास बोर्डिंग पास लेकर आया, बोले आपकी फ्लाइट चली गई, आपकी फ्लाइट आज नहीं है। कब है नेक्स्ट फ्लाइट? कल को है। मैंने बोला अभी एयरपोर्ट में एक दिन क्या करेंगे? तो उसने बोला, मैंने आधा सुना था, पूरा नहीं सुना, उसने बोला आपका फ्लाइट चली गई, आपकी फ्लाइट चली गई, क्योंकि हमारी फ्लाइट लंदन से देर आई है, इसलिए आपको 24 घंटे के लिए वीसा, 24 घंटे के लिए 5-स्टार होटल और खाना, सब कुछ आपके लिए हमारी तरफ से हम दे रहे हैं। हालेलुया, प्रभु के लिए ताली बजाएं। लेकिन बैकग्राउंड क्या है, मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। जब हम जा रहे थे, 5 घंटे की स्टे थी दुबई में, तो मैं सोच रहा था और मेरी वाइफ से बोला कि हम दिसंबर या जनवरी को आएंगे, एक ट्रिप लगाएंगे, दुबई अच्छा शहर है, थोड़ा हम ट्रिप लगाएंगे। मैं अंदर ही अंदर वो ख्वाहिश को रखा था और आते वक्त भी मैं सोच रहा था कि जाऊंगा और कभी दिसंबर जनवरी के टाइम पे थोड़ा घूमने आएंगे, क्रिसमस के टाइम, न्यू ईयर के टाइम में। प्रभु को मेरी वो छिपी हुई बात क्या हो गया, पता चल गया। बोलता है मेरा बेटा का ख्वाहिश है, ये बिजी रहता है, ये दिन रात भागता रहता है, इसको थोड़ा मैं अभी ट्रीटमेंट पे। और परमेश्वर ने क्या किया, जो हमने कभी सोचा नहीं था वैसे हमारे लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया। हालेलुया। फिकर नहीं करने से, परेशान नहीं होने से प्रभु क्या करता है, आपके दिल के अंदर छिपी हुई ख्वाहिश को प्रभु पूरा कर देता है। बोलो यीशु मसीह की, प्रभु का हम धन्यवाद दे कि परमेश्वर हमारी ख्वाहिशों को जानता है। जब हम परेशान नहीं होते हैं, किसी ना किसी तरह से प्रभु हमारी ख्वाहिश को पूरा करता है। हमारी ख्वाहिश कैसे पूरी की उसने? मेरी प्रार्थना उत्तर ना देकर। इसलिए कभी कभी जब आपकी प्रार्थना उत्तर नहीं मिलता है, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि कुछ बात छिपी हुई है जो आपको थोड़ी देर में प्रभु दिखाना चाहता है। जब हमारी प्रार्थना के उत्तर हमें नहीं मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं और हमारे लिए जो प्रभु रखा होता है वो हम मिस कर देते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई मिस ना करे कि प्रभु कहता है सारी खुशी और सारी शांति का दाता परमेश्वर हमसे प्यार करता है। आगे पढ़िए, हमें क्यों प्रभु पर भरोसा करना है, क्यों हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि वचन में लिखा गया, निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 10 उसका 13 आयत पढ़िए। हमें क्यों नहीं घबराना है,
पहली बात, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहन शक्ति से ज्यादा परीक्षा में आपको लेकर नहीं जाएगा। आपके सहन शक्ति से बढ़कर, बियॉन्ड व्हाट यू कैन बेयर, बियॉन्ड व्हाट इज यूजुअल, बियॉन्ड व्हाट इज कॉमन, ही विल नेवर लीड अस टू बी टेस्टेड। प्रभु हमें जो है परीक्षा नहीं करता है, परीक्षा के तरफ हमें अलाउ करता है, उतना ही करता है जितना शक्ति प्रभु ने हमें दी है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13 आयत। तुम ऐसे किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। प्रभु कहता है परीक्षा के समय, कष्ट के समय, दुख के समय, जो हमारे बस में नहीं है, उस परिस्थिति में जाते वक्त वो क्या करता है, हमारे लिए रास्ता खोलता है। हम सोचते हैं मेरी परेशानी बहुत बड़ा है, हम सोचते हैं कि मुझे बहुत बड़ी परीक्षा में प्रभु ने डाल दिया है। नहीं, मुझे बताइए, आप अगर 9th क्लास में हैं, कितने लोग स्कूल गए हैं? जब हम स्कूल जाते हैं, आप 7th क्लास में हैं कि आपको 10th ग्रेड के एग्जाम में डालेंगे? हैं? क्या डालेंगे? आप 7th क्लास में हैं, आप 7th क्लास के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस जो भी आपने पढ़ा है, और एग्जाम के टाइम पे आपको 10th ग्रेड के एग्जाम में डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे? बोलिए। क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ाया नहीं गया है, उसके लिए आपको पढ़ाया नहीं गया है। उसी तरह परमेश्वर हमें जो चीज टीच करता है, जो हमें वो सिखाता है, उसी का ही परीक्षा के लिए हमें आगे लेकर जाता है। कभी कभी हम प्रार्थना के बारे में सुनते हैं, प्रार्थना बढ़ा देते हैं और उसके बाद परीक्षा आता है, बोलते हैं हाय पर प्रार्थना बढ़ा दिया, परेशानी बढ़ गई। परीक्षा प्रभु हमें हमारी सहन शक्ति से बढ़कर नहीं देता है। और जो परीक्षा नहीं चाहते हैं, आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल में एनरोल करेंगे, साल भर पढ़ाई करेंगे और बोलेंगे मुझे परीक्षा नहीं देना है, मैंने परीक्षा पेपर नहीं देनी, तुसी अगले ग्रेड जाओगे? नहीं जाओगे। परमेश्वर जब हमें परीक्षा में लेकर जाता है, हमें पास करने के लेकर जाता है, और प्रभु के लोग प्रभु के परीक्षा में कभी फेल नहीं होते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें परीक्षाओं में लेके जाता है, हमें फेल नहीं करता है। बोलो शद्रक मेशक अबेदनगो फेल हो गए? बोलो दानियल फेल हो गया? बोलो पतरस फेल हो गया? क्या अब्राहम फेल हो गया? क्या योना फेल हो गया? मैं नाम गिन गिन कर बताऊंगा जिनको भी प्रभु परीक्षाओं में लेकर गया, कोई भी फेल नहीं हुआ। क्या हम फेल होंगे? हम फेल होंगे? प्रभु को जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दे, असी फेल होने वाले नहीं, हम पास भी होने वाले नहीं। पास जी डरा नहीं रहे हो? हम पास भी होने वाले नहीं, हम एक्सलेंट ग्रेड में पास होने वाले हैं। हालेलुया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को परीक्षा में डाला गया, वो ऐसे ही नहीं बच गए। राजा ने ये नहीं बोला अरे 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 तुम अच्छे लोग हो, मैंने गलत कर दिया, चलो निकल गया आ जाओ। नहीं, वो एक्सलेंट होकर निकले। राजा कहता है इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आप और मैं जब परीक्षाओं में होकर जाते हैं, प्रभु हमें सहन शक्ति देता है, और हमें सिर्फ ऐसे करके नहीं निकल देता है, हमें जो है बड़ी अपनी महिमा के साथ निकालता है। प्रभु हमें बड़ी गवाही के साथ निकालता है। परमेश्वर हमें जहां जो भी मुश्किल में हम रहते हैं, वहां से एक्सलेंट बनाकर हमें चैंपियन बनाकर निकालता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब स्कूल में जाते हैं, कई लोग जो है 100 में 40 लेके आते हैं, पास हो जाते हैं, वो जो है पास हो गए, पेपर मार्कशीट नहीं दिखाते, 40 आया जस्ट पास। लेकिन जिसका 98 आया है, जिसका A+ आया है, जिसका एक्सलेंट ग्रेड आया है, वो क्या करेगा? उसका ग्रेड लोग के सामने टीचर भी लगाते हैं,
आप यहाँ पे देखो, फिलीपींस में देखो, जब ग्रेजुएशन होता है उसके बाद वो स्टूडेंट्स का पिक्चर लगाकर बोलते ये हमारे स्टूडेंट है जो कि एक्सलेंट ग्रेड लेकर पास हुए हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बड़ी मुसीबत और परीक्षा में क्यों लेकर जाता है? वो आपके पोस्टर भी हेवन में लगाना चाहता है। आपका फोटो वहां पे होगा, आपका नाम वहां पे होगा, क्योंकि ये मेरा बंदा मुसीबत में होकर गुजरा और एक्सलेंट निकला है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? प्रभु ने मुझे फंसा दिया, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। नहीं नहीं, प्रभु ने नहीं छोड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास हमारे हर समस्या के समाधान है। He has all the solution for all our problems। प्रभु हमारी परेशानी के बाद, हमारे मसले तो बाद हल नहीं ढूंढता है। आपकी परेशानी के बाद आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु मेरी ये परेशानी है, प्रभु ये नहीं, ओ हो, ये परेशानी हो गई, मैंने तो पता नहीं सी। मैं बोल सकता हूं, मैं पास्टर होकर, मैं इंसान में बोल सकता हूं, ओ ऐसा हो गया। लेकिन परमेश्वर को पहले से पता है कि आपको कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो पहले से तैयार कर रखा है। बोलिए मेरे प्रॉब्लम्स का, जोर से बोलिए मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, समाधान प्रभु ने ऑलरेडी बना दिया है। इसलिए फिक्र नहीं करना, विश्वास करना, क्योंकि आपकी परेशानी आपकी कैपेसिटी के अंदर ही है, आपके सहन शक्ति के अंदर ही है। आप जरूर पास ही नहीं होंगे, आप एक्सलेंट ग्रेड लेकर पास होंगे। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत से बढ़कर बने। हमें प्रभु सिर्फ जयवंत ही नहीं बनाता है, जयवंत से बढ़कर बनाता है। हालेलुया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हम सबको बड़ी बड़ी मुसीबत में होकर गुजरना पड़ेगा, हम सबको कष्ट में होकर गुजरना पड़ेगा। हम कभी कभी चाहते हैं फटाफट मेरा काम हो जाना चाहिए, फटाफट मुझे सब मिल जाना चाहिए, फटाफट मेरी काम प्रभु कर देना चाहिए। सुनिए, फटाफट का परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें प्रोसेस में लेकर जाता है। हमारा परमेश्वर वो प्रोडक्ट निकालना चाहता है जो कि सब्र के साथ, अपनी कृपा के साथ हमें बनाता है और हमें वो व्यक्ति बनाता है जो कि सिर्फ पाने वाला नहीं लेकिन देने वाला बन जाता है। हालेलुया। बड़ी बड़ी मुसीबत में होकर हम जब जाते हैं, हमें फिक्र नहीं करना है, बोलना ये कुछ भी नहीं है। आपका फ्लाइट मिस हो जाए, बोला कोई भी बात नहीं है। आपका काम नहीं हो रहा है, बोलना कोई भी बात नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आपके साथ अगर आपका परमेश्वर, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब यूसुफ मिस्र में चला गया, उसके पास कोई उसका पास्टर नहीं था, उसको एनकरेज करने वाला कोई भी नहीं था। कोई बात नहीं पाजी, कोई गल नहीं पाजी, ठीक हो जाएगा, प्रभु ने तो अनुदर्शन दिता है, वो पूरा करेगा, ऐसे बोलने वाला कोई था उसके पास? कोई नहीं था। चर्च था? चर्च भी नहीं था। यूसुफ अकेला था। उसको साथ देने वाला उसके मां नहीं थी उसके पास, उसका बाप नहीं था उसके पास, उसके मामा नहीं था उसके पास, उसके भाई लोग नहीं थे उसके पास, उसका कोई भी नहीं था। फिर भी वो बड़ी बड़ी मुसीबत और कष्ट में होकर गुजरने के बावजूद भी अपने मुंह से एक भी हाय का शब्द नहीं निकाला, गुस्से का शब्द नहीं निकाला, डिस्करेजमेंट का शब्द नहीं निकाला। हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, मैं प्रार्थना छोड़ दूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं उधर जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम उस वक्त यीशु मसीह को हमारे साथ पाए। यूसुफ के साथ उसका उसकी मां नहीं थी, उसका बाप नहीं था, उसके भाई नहीं थे, उसका पास्टर नहीं था, उसका चर्च नहीं था, यूसुफ के साथ उसका परमेश्वर था। यूसुफ के साथ उसका परमेश्वर था। मूसा के साथ कौन था? मूसा को जानते हैं आप? मूसा को जानते हैं? मूसा जो प्रभु का बंदा था, वो अभी अपने लोग को छुड़ाने के लिए जब आया और अपने लोग को जब छुड़ा कर लेके जा रहे, मूसा के साथ कौन था? मूसा के साथ वो लोग थे जो उसको निराश करते थे। मूसा के आसपास वो लोग थे जो उसके बारे में भला बुरा कहते थे, पता नहीं ये दाढ़ी वाला हमें कहां लेके आ गया। हम मिस्र में अच्छा खाना खा रहे थे, मिस्र में हम अच्छे थे, यहां पे पता नहीं यहां लेकर आ गया। परमेश्वर जिस हालत में भी आपको लेके जाता है कुड़कुड़ाना नहीं। परमेश्वर किसी भी जगह में आपको लेके जाता है डरना नहीं। परमेश्वर आपके जीने जो भी हालात लेकर आता है गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना। मूसा के साथ कोई उसको सलाह देने वाला, कोई उसको एनकरेज करने वाला, कोई उसको दिलासा देने वाला कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसका परमेश्वर था। हालेलुया। आपकी और मेरी मुश्किल के समय
आपका परमेश्वर अगर आपके साथ है, अगर परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर निराकार जिसका आकार नहीं है वो नहीं है। परमेश्वर कोई एक शक्ति नहीं है, रब कोई ताकत नहीं है, रब कोई जिसका कोई आकार नहीं वैसा नहीं है। रब का पहचान है, प्रभु का पहचान है। वो कौन है? आपने पहचान देने के लिए इंसान के रूप लेकर दुनिया में आया, हमारे बीच में डेरा किया। किसी के बारे में पहले से नहीं बताया गया कि वो वहां पर आएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। यीशु मसीह वो खुद आया, उससे पहले बताया गया था। वो परमेश्वर है, उसका रूप है, इसीलिए हम उसका पिक्चर नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसका रूप आप और मेरे में है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम किसी फोटो का पूजा करें, वो नहीं चाहता कि हम किसी चित्र का पूजा करें, हम किसी मूर्ति के सामने नहीं, हम जीवित परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जो आत्मा के जरिए से हमारे बीच में, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो हमारे साथ साथ रहता है। दूसरी बात, हमें क्यों परेशान नहीं होना है, निकाल कर थोड़ा पढ़िए दूसरा कुरिंथियों उसका 9:8 है। दूसरा कुरिंथियों उसका 9:8 है। हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, किस प्रकार का, कितने प्रकार का, सब प्रकार का अनुग्रह हमें दे सकता है। दुनिया में क्या होता है? पैसा का अनुग्रह के लिए उसके पास बत्ती जलाओ, बुद्धि और ज्ञान के लिए उसके सामने बत्ती जलाओ, सफर करने के लिए उसके सामने बत्ती जलाओ, नया घर बनाने से पहले इसके सामने घंटी बजाओ। यीशु मसीह सब प्रकार का अनुग्रह देता है। जिसके पास सब कुछ है हम उसके पास नहीं जाते हैं, लेकिन जिसके पास थोड़ा थोड़ा है इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर जाते हैं। कभी ये नाराज हो जाता है, वो बोलेगा तूने उसको ज्यादा फूल दिया, तूने उसको ज्यादा नारियल दे दिया, तूने उसको ज्यादा घी पिलाया, मुझे नहीं। वो आपस में झगड़ते रहते हैं, आपको कब शांति देंगे? क्योंकि वो मनुष्य के हाथ से बनाए गए हैं। रब जो है कभी इंसान से कुछ उम्मीद नहीं करता है। रब जो है हमें सब प्रकार की अनुग्रह में देता है, हर तरह की। आपको शांति चाहिए वो देता है, आपको धन चाहिए वो देता है, आपको तबीयत चाहिए वो देता है, आपको जीवन चाहिए वो देता है। सबसे बड़ी बात, वही हमें मुक्ति देता है। हालेलुया। कई लोग आज जो है चंगाई के लिए भागते हैं, कई लोग आज जो है दुनिया की चीजों के लिए भागते हैं, लेकिन अनंत जीवन के लिए प्रभु कहता है मेरे पास आओ। क्योंकि हमारे जीवन इस दुनिया में खत्म होने के बाद दो ही जगह है, एक है स्वर्ग और एक नरक। कई लोग बोलते हैं ये दुनिया ही सब कुछ है। नहीं, दुनिया सब कुछ नहीं है। बार बार कोई दुनिया में जन्म नहीं ले सकता है। एक ही बार जन्म है, एक ही बार मरण है, उसके बाद विचार है। और विचार के समय अगर हमारा नाम अगर जीवन के किताब में पाया नहीं गया तो हम सिर्फ नरक की तरफ जाएंगे। हम चर्च में हम लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि यीशु मसीह विश्वास करो, क्योंकि वो हमारा धर्म नहीं बदलता है, हमारा नाम नहीं बदलता है, हमारा रूप नहीं बदलता है, हमारे जीवन को पाप से आजाद करके हमें अनंत जीवन पाने का हकदार बना देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह विश्वास करना है ताकि आप और मुझे अनंत जीवन मिले, ताकि जब हमारा जीवन इस दुनिया में से खत्म हो जाती है उसके बाद हमारा जीवन, हमारी आत्मा स्वर्ग राज्य में पहुंच जाता है। आत्मा हमारा भटकता नहीं है, क्योंकि भटकने वाले को हम पूजा नहीं करते हैं। हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठकर वह स्वर्ग राज्य में है, वो हमारे लिए दिन और रात प्रार्थना कर रहा है। अगर मुझे एड्रेस नहीं पता होगा, अगर आप मेरी गाड़ी में बैठे हैं और मुझे अगर एड्रेस नहीं पता तो मैं क्या करूंगा? इधर रुक के पूछूंगा, पाजी वो जगह किधर है, पाजी वो जगह किधर है। मैं हर जगह में जाकर एड्रेस पूछ पूछ कर मैं भी खुद भटक रहा हूं और आपको भी भटक रहा हूं। और जो कहता है कि आत्मा भटकता रहेगा, इतने बार जन्म देना है, वो क्यों? क्योंकि वो खुद भटका हुआ है। हमारा परमेश्वर जो है, जीवित परमेश्वर जो है, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, आपको सृष्टि करने वाला परमेश्वर, वो भटका नहीं है। हालेलुया। वो भटका नहीं है, परंतु भटके हुओं को उसने बचा लिया है, इसलिए वो कहता है आओ और जीवन पाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी ना भटके। दुनिया में पैसे के चक्कर में, काम के चक्कर में, वीजा के चक्कर में ना भटके। हम दुनिया में पैसा, दुनिया में नाम और इज्जत पाकर क्या कमाएंगे अगर हमारी आत्मा नहीं बचाए जाए?
हम कैसे भटकते हैं, हम बोलते हैं हम सुबह शाम पाठ करते हैं, सुबह शाम करते हैं, वो सेवा करते हैं, वो चैरिटी करते हैं, लेकिन हर काम गलत तरीके से करते हैं। विसा नहीं हो रहा है, गलत तरीके से करो। पैसा नहीं मिल रहा है, गलत तरीके से करो। क्या ये रब ये सिखाता है? क्या परमेश्वर ये सिखाता है कि हम गलत तरीके से काम करके पैसा कमाएं? नहीं, हम बोलते हैं रब ने बहुत कुछ दे दिया है। ये रब ने नहीं देता, ये तुम्हारी जो गलत बुद्धि है ना, कनिंगनेस, वीकनेस, इससे भी आता है। इसलिए प्रभु चाहते कि हम पश्चाताप करें और प्रभु की हर प्रकार की कृपा, हर तरह की, सब प्रकार की अनुग्रह हम पाएं। हम क्यों परेशानी होना है? क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने से बढ़कर और सोचने से बेहतर देने वाला परमेश्वर है। इसको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, मल्टीट्यूड ऑफ मर्सीज, दया का भंडार हमारे जीवन में भरता देता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवन में भरपूरी के साथ, 5000 लोग भूखे थे, प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली को उसने ब्लेस किया और सबको खिलाया। बाइबल में लिखा गया सब पेट भर कर खाए और उसके बाद 12 टोकरी भी बच गया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम परेशान हो, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी का जो जड़ है वो हमारे अविश्वास है। परेशान हम क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में विश्वास नहीं है। आप बोलेंगे पास्टर जी आप कैसे बोल रहे, हम विश्वास करते हैं, विश्वास करें इसलिए तो हम चर्च में आए हैं। वी आर द पीपल ऑफ अनबिलीव, हम अविश्वास के लोग हैं। हम वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है, हम सुनते हैं वचन कि प्रभु सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। पतरस को जब प्रभु ने कहा, और रात के समय जब वो अंधेरे में जब अपने किश्ती में जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक ज्योति सा उनके तरफ आ रहा है, ये लोग डर गए और वो चिल्लाने लगे शायद ये भूत है। उसके बाद प्रभु कहता है डरना नहीं, ये मैं हूं। उसके बाद पतरस कहता है प्रभु को, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे पानी पे चलने का हुक्म दीजिए। उसके बाद जब पतरस को प्रभु ने कहा उतर कर चले आओ, उसने जब चला, उसने प्रभु की आवाज को सुना था, प्रभु को पहचान लिया था, और जब वो पानी में चलना शुरू किया आंधी और तूफान के पानी में, थोड़ी देर के बाद वो पानी में डूबने लगा, पानी में डूबने लगा। प्रभु उसके सामने है, प्रभु ने उसको कहा कि निकल कर आ, लेकिन अभी ये डूबने का कारण क्या है? वो डूबने क्यों लगा? क्योंकि विश्वास किया, लेकिन विश्वास को बजा कर नहीं रखा, विश्वास को लगातार नहीं रखा। थोड़ी देर के लिए विश्वास किया और उसके बाद परिस्थिति को देखकर, हालात को देखकर, आंधी तूफान को देखकर उसका विश्वास खत्म हो गया। आपके और मेरे विश्वास का वैलिडिटी कितना है? आपके और मेरे विश्वास का वैलिडिटी कितने महीने का है, कितने समय का है, कितने घंटे का है? हम एनकरेज हो जाते, विश्वास के साथ कदम चक लेते हैं, लेकिन उसके बाद हालात खराब होते ही हम अविश्वासी बन जाते हैं। पतरस ने बड़ी एनकरेजमेंट के साथ, बड़े एक्साइटमेंट के साथ कश्ती से बाहर पैर रखा, लेकिन जब आंधी और तूफान को वो देखने लगा, उसका विश्वास एक्सपायर हो गया और अविश्वास बढ़ गया। उसको पता था यही यीशु है जिसने 5 रोटी 2 मछली को 5000 लोगों को खिलाया। उसको पता था यही वो यीशु है जिसने कोढ़ियों को शिफा दी। उसको पता था यही वो यीशु है जिसने मरी हुई बेटी लाजरस की बेटी को उसने चंगा के उठाया, मुर्दों में से जिलाया। उसको, उसके सामने ही इसका विश्वास टेम्परेरी हो गया। वो प्रभु को देख ही रहा था, प्रभु के पास ही जा रहा था, उसका विश्वास टेम्परेरी हो गया। तो हम जब भी प्रभु को अपनी फिजिकल आई से नहीं देख पा रहे, हमारे विश्वास का टेन्यूर, हमारे विश्वास का वैलिडिटी, हमारे विश्वास का एक्सपायरी डेट कब तक है? चले लोग भी जब कश्ती में जा रहे थे, आंधी तूफान आया, वो कोशिश करने लगे, अविश्वास करने लगे। सबसे बड़ा रीजन हमारी परेशानी की, हम अपने आप को परेशानी में धकेलने की सबसे बड़ी वजह है कि हम अविश्वास में रहते हैं। वी आर अनबिलीविंग जनरेशन। प्रभु ने हमारे लिए 2000 साल पहले रास्ता खोल दिया है, प्रभु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए उसने रास्ता खोल दिया है, और स्वर्ग में हमारे लिए अनंत धन रखा है।
जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है उसी दिन से आपके लिए स्वर्ग में प्रभु धन संचय कर रहा है। और आप जब हर महीने अपने दशमांश, आप जब ऑफरिंग प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के काम के लिए निकल पड़ते हैं, आप जो जो प्रभु के लिए समय आपकी आपकी आपका धन और आपकी ज्ञान को खर्च करते हैं, टैलेंट ट्रेजर और आपके जो भी है वो सब टाइम वो उसको आप खर्च करते हैं, जितना आप यहाँ पे खर्च कर रहे हैं वहां पे प्रभु क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। प्रभु के लिए की हुई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप जो लंगर बनाते हैं या चर्च को साफ करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के पास जाकर विजिट करते हैं, आपकी मेहनत प्रभु में जो करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु उसको क्या करता है, भंडार में जमा करके रखता है और आपकी जरूरत के समय प्रभु उसको देता है। उतना ही नहीं लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए वो धन है जो कि दुनिया में हम कमा नहीं सकते। दुनिया में वो कौन सा धन कमा सकते हैं, जो धन चोरी चोर जो है चोरी करके ले सकता है। दुनिया में हम वही धन कमा सकते हैं जो कि बीमारी आने से खत्म हो जाएगी। दुनिया में हम वही धन कमा सकते हैं जो हम काम पेपर के पीछे खर्च कर देते हैं। दुनिया में हम वही धन कमा सकते हैं जो इस दुनिया में ही खत्म हो जाती है। लेकिन प्रभु आपके लिए कौन सा धन रखा है, रुपया, डॉलर, पाउंड, दिरहम, कौन सा धन प्रभु ने रखा है? वो धन जो कि कोई चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता है, वो धन जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, वो धन जो कि हम इधर कमा नहीं सकते। बोलते इधर ही कमाना है, क्या कमाओगे, कुछ नहीं कमा पाएंगे आप। हम बात बात में झूठ बोलते हैं, क्या कमाएंगे? हम दूसरे को बुरी नजर से देखते हैं, क्या कमाएंगे? कोई अच्छा करता है उसको देख के हम जलन करते हैं, क्या कमाएंगे? दूसरे के कस्टमर के पास खुद जाकर काम करना शुरू करते हैं, क्या कमाएंगे हम? आज दुनिया दुखी इसलिए नहीं है कि उनके पास दुख है, आज दुनिया इसलिए दुखी है कि कोई दूसरा सुखी है। क्या कमा रहे हैं हम पापी हैं, कुछ नहीं कमा सकते हैं, इसलिए प्रभु हमारे लिए सब कुछ कमा दिया। 2000 साल पहले उसने सलीब के ऊपर अपनी जान दे दी ताकि हम उस पर विश्वास करें। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करें। और पतरस जब पानी में गिर गया, पानी में जब डूब गया और उसने चिल्लाया, प्रभु मेरे पर कृपा करो, प्रभु आकर उसको हाथ बढ़ाकर ऊपर खींच के लेकर आता है, बोलता है तेरा विश्वास किधर है? आज प्रभु आपको देखना चाहता है, पूछना चाहता है तुम्हारा विश्वास किधर है। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वो सियोन के पहाड़ के समान मजबूत रहेंगे, वो कभी गिरेंगे नहीं, वो कभी हारेंगे नहीं, परमेश्वर उनको आगे बढ़ाएगा। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु पर भरोसा करें। लेकिन कैसे करें? सबसे पहला कदम अपने पापों को मानकर प्रभु कहना है, प्रभु आज मैं मेरे पापों के लिए तौबा करता हूं, मेरे जीवन में तू आ और मेरा प्रभु और मुक्तिदाता बन जा। जब हम प्रभु के सामने आकर तौबा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु पर भरोसा करने वालों के लिए बहुत मुसीबत आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पता नहीं आज कितने लोग यहाँ पे हैं जो कि आज व्याकुल हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने काम के लिए, अपने जीवन के लिए, पता नहीं कितने लोग आज आप व्याकुल हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आपसे बेहद प्यार करता है, जो आपके लिए अपनी जान दे दी है, जो कि आपके लिए मुक्ति का दरवाजा बन गया है, वो आपको कहना चाहता है प्रभु पर भरोसा कर और वो तेरे मुख का चमक बन जाएगा। हालेलुया। आज इधर उधर भरोसा करने की कोशिश ना करे, आज लोगों पर भरोसा ना करे, आज लोगों के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर, आपकी सुंदरता के ऊपर, आपके ज्ञान को भरोसा ना करे, आप आज प्रभु पर भरोसा करे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आपकी हालात तो चाहे जो भी हो जाए, आपकी हालात चाहे जितने भी बुरी हो, प्रभु कहता है तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो हमें अनंत जीवन के साथ ब्लेस करे। इसलिए क्या करें हम, प्रभु पर भरोसा करें। आज कितने लोग चाहेंगे कि आपको मुक्ति मिले, कितने लोग चाहते कि आपको शांति मिले। दुनिया की चीजें आपको मिलेगी और चले जाएगी, दुनिया का धन आएगा और चला जाएगा, दुनिया के ज्ञान आएंगे चले जाएंगे। कितने लोग अलेक्जेंडर के बारे में पता है, अलेक्जेंडर के बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत लोगों को पता नहीं है, वो दुनिया को जय जीता हुआ व्यक्ति था, चैंपियन था। अलेक्जेंडर अपनी जवानी में ही दुनिया के बहुत सारे देश को उसने जीत लिया था, दुनिया के बड़े बड़े देश को जीत लिया था। हमने किया है कि उसके सामने कुछ भी नहीं किया है, आपने किया क्या है? अलेक्जेंडर जब जवान था बहुत सारे देश को उसने कॉन्कर किया, बहुत सारे देश को उसने हराया, अपने कब्जे में लेकर आया,
और उसके शरीर में एक बीमारी आई, उसने दवाई खाई, उसने डॉक्टर के पास गया, लेकिन जवानी में ही उसकी डेथ हो गई। जब वो मरने ही वाला था तो उसने उसके डॉक्टर्स को बुलाया, चार डॉक्टर्स को बुलाया, बोला आप चार ही मेरे जो जनाजा को आप कंधा दोगे। क्यों? मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर इंसान को बचा नहीं सकता है। और उसने क्या किया, अपने लोगों को कहा मुझे जब आप उस कॉफिन बॉक्स में रखोगे मेरे दोनों हाथ को बाहर ऐसे रखना, ताकि लोगों को मैं बताऊं मैंने पूरे दुनिया को जीता लेकिन खाली हाथ जा रहा। हम सब खाली आए हैं, खाली चले जाएंगे। किस बात के लिए हमारे पास हम गुरूर करते हैं? दो बात पक्की है, आप आज जिंदा है, कल जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे इसको नहीं पता। दुनिया आज चल रही है, दुनिया काल चलेगी नहीं चलेगी किसी को नहीं पता। इसलिए वो होने से पहले आज ही पश्चाताप करके, आज ही तौबा करके यीशु मसीह को अपना जीवन देना है। हम अपने आंखों को बंद करें और आज प्रभु की हुजरी में, अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी हालात में हैं उस हालत में भी परमेश्वर आपको मदद करे, सब प्रकार का अनुग्रह आपके लिए दिलाए, सब प्रकार का अनुग्रह आपके जीवन में बरसाएं, वो आपके जीवन के लिए सब प्रकार का अनुग्रह देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम साफ बर्तन लेकर आए उसके पास। हम चाहे जैसे भी आए हैं, हमारे गुनाह लाल रंग की भी हो क्यों ना, वो कहता है मैं बर्फ के समान तुम्हारे जीवनों को सफेद कर दूंगा। शायद आज आप परेशानी, दुख, तकलीफ, पाप के साथ आए हैं, आज आप सही जगह में आए हैं जहां पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने जो काम कर दिया है 2000 साल पहले, उस जीवित बलिदान को स्वीकार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा प्रभु मैं पापी। अगर आप जानते हैं, अगर आप मानते हैं कि आपने पाप किया है, क्योंकि वचन कहता है अगर हम कहेंगे कि हमने पाप नहीं किया है तो हम झूठे हैं और पाप की मजदूरी मौत है। अगर आज यहां से आपके जीवन में आप बरकत पाकर जाना चाहते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और टेम्परेरी बरकत पाकर ना जाएं। प्रभु जरूर आपको चंगा करके यहां से भेजेगा, प्रभु जरूर आज आपके काम में बरकत देकर यहां से भेजेगा, प्रभु जरूर आपके वीसा में, आपके गाड़ी में, आपके यात्रा में, आपके कारोबार में, आपके परिवार में शांति, चंगाई, बरकत देगा, लेकिन ये मिलने के बाद भी आप मरोगे। लेकिन प्रभु ये बरकत के साथ साथ आपको अनंत जीवन का बरकत देना चाहता है, जो पाने के बाद कोई भी दूसरी मौत में नहीं मरेगा, कोई नरक में नहीं जाएगा। प्रभु चाहता है कि आप वो अविनाशी, अदृश्य, जो बरकत दिखता नहीं है वो आप पाए, ताकि आपके जीवन में से वो दिखाई दे। क्योंकि हम देखी हुई वस्तुओं के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लेकिन जो अनदेखी है उसको प्राप्त कर रहे हैं। स्वर्ग राज्य में जाने का द्वार यीशु मसीह है। उसने कहा मैं मार्ग हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं जीवन हूं, मेरे तो बिना कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज अगर आप यहां पे बैठे हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि आप जीवन में कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, आप जीवन में बरकत पाना चाहते हैं, आप जीवन में हर परेशानी के समय प्रभु का नया द्वार खोलते हुए देखना चाहते हैं, अपनी घमंड को छोड़ दीजिए, अपनी आदत को छोड़ दीजिए, अपनी नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, बिटरनेस को, कड़वापन को आप छोड़ दीजिए, डरना छोड़ दीजिए, परेशान होना छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता है, आपके लिए वो रास्ता खोलना चाहता है, आपके लिए वो मिराकल्स करना चाहता है, आपके लिए वो आश्चर्य कर्म करना चाहता है, आपके जीवन को बदल देना चाहता है, आपके परिवार को वो शांति देना चाहता है, आपकी बीमारी से आपको चंगा करना चाहता है। आज उस पर विश्वास करिए। आज प्रभु यीशु मसीह को आपने जीवन में बुलाइए। पता है शायद कई लोग की हालत खराब है, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारे हालत को भी मैं बदलना चाहता हूं। आप प्रभु पर विश्वास करिए। अगर आप चाहते हैं कि आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हुए, अपने जीवन में वो शांति पाना चाहते हैं, आज हम वचन में जो भी सुना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, मूसा के समान बरकत पाना चाहते हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ताकि आप सिर्फ परीक्षाओं में पास ही ना हो जाएं, लेकिन आप एक्सलेंट ग्रेड लेकर पास हो जाएं, जयवन से बढ़कर बन जाएं। आज मैं विश्वास करता हूं कि आप सब जयवन से बढ़कर बनना
बनने वाले हैं। तुहानू परमेश्वर जीवन से बढ़कर बनाना चाहता है। यीशु मसीह आपसे बेहद प्यार करता है। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, अपने जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अगर आप आज पहली बार यहां पे आए, पहली बार आप प्रभु यीशु मसीह का अपना जीवन दे रहे हैं, आप प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन मेरी मुक्ति, मेरा मुक्तिदाता और प्रभु बन जाओ। आज के बाद मैं आपके साथ चलूंगा, अनंत जीवन आपके नाम से मैं पाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करने वाला है। अपने हाथों को उठाइए, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप आमेन करके रिसीव करिए। प्रभु जी आज जितने भी हाथ खड़े हैं, प्रभु जी हर एक को आप सर से लेकर पांव तक छू लीजिए। प्रभु जी आज अगर कोई यहां पर बीमार आए थे, आज चंगे होकर जा रहे मैं ऐलान करता हूं। प्रभु जी अगर कोई अविश्वास और अशांति के साथ, निराशा के साथ यहां पे आए हैं, आज वो आपसे शांति पाकर जा रहे हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी अपने काम के वजह से, अपने पेपर के वजह से, अपने परिवार के वजह से, अपने कारोबार के वजह से परेशान है, उनके जीवन में आपकी ओर से समाधान को, सल्यूशन को यीशु मसीह के नाम से ऐलान करता हूं। खुदावंद प्रभु जी जितने परिवार में अशांति है, जितने परिवारों में प्रभु जी आज माहौल ठीक नहीं है, उन परिवारों में आपकी शांति को यीशु मसीह के नाम से मैं ऐलान करता हूं। रिसीव करिए यीशु के नाम से। प्रभु जी आज सबको आपने छू लिया है। आपके वचन के मुताबिक हम नहीं घबराएंगे, परेशान नहीं होंगे, लेकिन आज आपके ऊपर विश्वास करते हुए आंधी और तूफान में जीवन से बढ़कर हम चलेंगे। हम स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन आमेन। आइए हम प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद दें।